आज मैं बात करूंगा सऊदी निजाम यानी कानून के बारे में। इन दिनों एक घटना सऊदी में बहुत तेजी से वायरल चल रहा है, बहुत तेजी से ट्रेंडिंग चल रहा है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक लड़का था जो कि सऊदी का ही था, जिसका नाम था मोहम्मद मुर्शल। ये रहा उसका फोटो। ये लड़का अपने कजन के साथ झगड़ा किया, उसी झगड़े के दौरान अपने कजन का कत्ल कर दिया। फिर इसके ऊपर केस हुआ, कुछ दिनों ये जेल में रहा। जेल के दौरान यहाँ का कोर्ट, यहाँ की अदालत सजाए मौत का फैसला उसका सुना दिया, यानी खून का बदला खून। लेकिन फैसला सुनाते समय एक बात बोला कि अगर तुम्हारे कजन के घर वाले तुमको माफ़ कर देते हैं तो तुम्हारी सजाए मौत कैंसिल हो जाएगी। फिर इसके घर वालों को पता चला, इसके घर वाले पूरी दौलत, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा खानदान, पूरा कबीला लेकर अपने कजन के घर पहुँचे और कजन के घर गए और वहाँ अपने बच्चे की मौत की भीख मांगने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बोले पूरी दौलत ले लो, पूरी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन हमारे बच्चे की सजाए मौत कैंसिल करा दो। हत्या कि वो लोग अपने पूरे शरीर का कपड़ा निकाल कर उन लोगों के सामने रख दिया और नंगे बैठ गए। बोले हमारे पूरी दुनिया ले सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को सजाए मौत कैंसिल करा दो। लास्ट में ऐसा हुआ कि कजन के घर वाले नहीं माने और बच्चे को कत्ल कर दिया गया, यानी बच्चा इंतकाल हो गया। आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जो कत्ल करने से पहले उसके माँ से उसके बच्चे को मिलाया गया। ये रहा उसका वीडियो, देखकर आँख में आंसू आ जाएगा। और ये बच्चे की कब्रिस्तान है जहां बच्चे को दफन किया गया और जनाजा पढ़ा गया। और आपको क्या लगता है कि यहाँ का कानून यानी यहाँ का निजाम कैसा है? मैं तो यहाँ के निजाम और कानून को सलूट करता हूँ। जो अमीर गरीब यहाँ सब एक बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई तुमको एक झापड़ मारता है तो तुम भी उसको मार सकते हो, यहाँ कोई अमीरी गरीबी नहीं है। बाकी आप अपनी बात कमेंट में ज़रूर राय दें। और आपको क्या लगता है, यही कानून अपने इंडिया में भी लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय ज़रूर दें। और अगर हमारे फेसबुक पेज पर या किसी भी चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे वीडियो और ऐसे न्यूज आप तक हमेशा मैं पहुंचाता रहूं और अच्छी ज्ञान देता रहूं। लव यू ऑल। अच्छे से रहें, एक रहें और नेक रहें। और कमेंट में यहाँ के कानून के बारे में अपनी राय ज़रूर दें और अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।